बीआर टेक व्यूज में आपका स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड है, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं इन चीजों को लेके। तो यहाँ पे मैं कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें आपको बताने वाला हूँ, कुछ छोटी सी प्रॉब्लम जो आ रही है एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर में उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे अगर आपके पास में एक प्रोजेक्टर है तो उसके अंदर की स्टोन के बारे में पूछते हैं, कौन से प्रोजेक्टर में बढ़िया की स्टोन करेक्शन हमको मिलती है। आप देख रहे हैं बीआर टेक फिल्म्स, अमेजिंग टेक वीडियोस पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले एक वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो में, मैं एक नया एंड्रॉयड टीवी बॉक्स दिखाना चाहता हूं आपको, जो बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर पे काम कर रहा है, लेटेस्ट चिपसेट है। और मैंने फेसबुक पे एक पोल किया है, उस पोल पे जाइए फेसबुक पे बीआर टेक फिल्म्स पे, वोट कीजिए कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं, एक प्रोजेक्टर या लेटेस्ट एंड्रॉयड टीवी बॉक्स या दोनों। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो प्रोजेक्टर्स हैं, पहले कीस्टोन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कीस्टोन करेक्शन के बारे में बात करते हैं। और मेरे पास में यहाँ पे देखिए एक मिनी प्रोजेक्टर है, जो बहुत पुराने प्रोजेक्टर्स आते थे ना उसमें कीस्टोन करेक्शन नहीं होता था, उसमें सिर्फ फोकस वाला नॉब दिया होता था कुछ इस तरीके से। तो ये मिनी प्रोजेक्टर है, अभी भी इस तरह के मिनी प्रोजेक्टर जो आते हैं ये बढ़िया रहते हैं, लेकिन इसमें कीस्टोन करेक्शन नहीं होता, तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से प्लेस करना होता है, फोकस करना होता है। क्लैरिटी तो मिली जाती है अच्छी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटा प्रोजेक्टर है तो छोटे प्रोजेक्टर में कुछ ना कुछ कमियाँ भी होंगी, लेकिन छोटे प्रोजेक्टर का फ़ायदा भी है। ये होता है फोकस नॉब, सभी को पता है कि प्रोजेक्टर की लेंस को हमें फोकस करना होता है, दीवार से एक दूरी पर रखना होता है, तो वहाँ पर जब हम फोकस करते हैं हमें एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। अब यहाँ पर कीस्टोन करेक्शन से क्या होता है, जो बैक साइड में एक नॉब दिया होता है ये वाला, ये है कीस्टोन करेक्शन के लिए, ये स्पेशली यूज होता है कॉर्नर्स के लिए। तो अगर आपका प्रोजेक्टर ठीक से प्लेस नहीं है तो इसको करेक्ट करके आप कॉर्नर्स को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं वो पीछे वाला कीस्टोन करेक्शन को अगर मैं चेंज करता हूँ, आगे पीछे करता हूँ, तो ये देखिए इस तरह से ये टिल्ट हो जाता है। तो कुछ केसेस में अगर आपके प्रोजेक्टर पे कॉर्नर्स ब्लर हो रहे हैं तो कीस्टोन काम आता है। बेसिकली प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन देखने को मिलती है वो रेक्टेंगुलर शेप में मिलती है और 16:9 का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसी तरह से जब हम प्रोजेक्टर को प्लेस करते हैं, वैसे हमें कीस्टोन करेक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत सारे केसेस में जब हम प्रोजेक्टर स्क्रीन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें मैनुअली कीस्टोन करेक्शन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और यहाँ पर देखिए मैंने ईगेट का K9 एंड्रॉइड प्रोजेक्टर यहाँ पर लगा रखा है, तो किसी भी तरह के कॉर्नर्स ब्लर नहीं हो रहे। brtechfilms.com मैंने खोला हुआ है, यहाँ पर हम बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट पोस्ट करते हैं, नए नए गैजेट्स, नए नए स्मार्टफोन से रिलेटेड, इसको भी आप जरूर चेक कर सकते हैं। चलिए मैंने कीस्टोन करेक्शन के बारे में बता दिया। और ईगेट K9 एंड्रॉइड वाला प्रोजेक्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें 4D कीस्टोन करेक्शन है, यानी कि चारों कॉर्नर्स जो हैं वो ब्लर नहीं होते। कीस्टोन को अगर आप एडजस्ट करते हैं तो कॉर्नर्स में क्लैरिटी मिल जाती है। अब आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है, ये वाली प्रॉब्लम आपको काफ़ी दोस्तों को मिली है K9 एंड्रॉइड प्रोजेक्टर में कि यूट्यूब नहीं चल रहा है, तो यूट्यूब को जैसे ही ओपन करते हैं इस तरह का एक एरर आता है, तो इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि K9 एंड्रॉइड में जो है एक ऑलरेडी अपडेट आ रखी है, तो उसको आप अपडेट कर लीजिए। अगर अपडेट नहीं करना तो सिस्टम अपडेट में जाके रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग कर लीजिए, पहली चीज़ ये आप कर सकते हैं। इससे आप जब रिस्टोर करेंगे आपका प्रोजेक्टर जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा और फैक्ट्री सेटिंग्स पे चले जाएगा। तो फैक्ट्री सेटिंग पे जाने के बाद में ये आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर फिर भी सॉल्व नहीं होती तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको रीसेट कर दिया है, बिल्कुल कम्प्लीटली फैक्ट्री रीसेट कर दिया है। इसके बाद में इसमें ये जो प्रॉब्लम है YouTube वाली वो सॉल्व होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं होती तो सबसे बढ़िया है कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, क्योंकि ये एंड्रॉयड प्रोजेक्टर है, आप प्ले स्टोर पर जाके YouTube की ऐप को अपडेट कर लीजिए। क्योंकि फैक्ट्री रीसेट से पहले भी मैंने अपडेट किया था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन फैक्ट्री रीसेट के बाद मैंने यहाँ पर यूट्यूब की ऐप को अपडेट किया है और प्रोजेक्टर में जो यूट्यूब ऐप है काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर चल पड़ी है। अब एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ, ये मेरा वीडियो मैंने YouTube पे चलाया है, इस प्रोजेक्टर में आप YouTube को 1080p पे स्ट्रीम कर सकते हैं, जबकि इसका नेटिव रेजोल्यूशन जो है वो 720p का है, लेकिन यहाँ पे YouTube को मैंने 1080p में चलाया अपडेट करने के बाद में, और यहाँ पे YouTube पे वीडियोस प्ले हो गए। तो ये काफ़ी मुझे थोड़ा सा अमेजिंग भी लगा, लेकिन डेफिनेटली इसका जो नेटिव रेजोल्यूशन है वो 720p ही है। प्रोजेक्टर ये बहुत बढ़िया है और इसमें मेरी वीडियो चल रही है गिम्बल वाली, वो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लीजिए। तो आजकल के प्रोजेक्टर्स में मैनुअल कीस्टोन करेक्शन आ रहा है और मुझे ईगेट का ये वाले K9 एंड्रॉइड में कीस्टोन करेक्शन काफ़ी बढ़िया लगा है, तो इसको आप अगर लेना चाहें ले सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है, खरीदना चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल है, एक साल की वारंटी मिलती है इस ईगेट के प्रोजेक्टर पर, काफ़ी कमाल की डील है 11 से 12 हज़ार में। और अगर आपको इस प्रोजेक्टर का पूरा रिव्यू देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फेसबुक पे जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में पोल चल रहा है, वहाँ पे वोट जरूर कीजिए नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहेंगे, एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या एक प्रोजेक्टर।